बात कोई नहीं करेगा। अब आगे देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगा क्रेस्ट एंड ट्रफ, ट्रांसवर्स वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रेडिफिक्शन, ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ। आपने जो पढ़ना स्टार्ट करना है वो यहां से स्टार्ट करना है, कुछ डेफिनेशन नहीं पढ़नी आपने क्रेस्ट एंड ट्रफ की, कुछ नहीं आएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या है बस पता होना चाहिए क्या है, और कुछ नहीं करना आपने। मैंने बताया था कि सिर्फ दो फॉर्मूला याद करने हैं, ट्रांसवर्स वेव जब ट्रेवल करेगी इसमें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में तो अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, टी फॉर टेंशन इन अ वायर एंड एम फॉर मास पर यूनिट लेंथ इन अ वायर। दूसरा आपने ये स्टडी करना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करती है, दोनों साउंड हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करेगी गैस में तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के इज बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस। क्लियर यहां तक? दूसरी चीज आपने याद रखनी है, न्यूटन ने काम किया था साउंड की स्पीड निकालने के लिए, और न्यूटन ने कहा था कि जो साउंड ट्रेवल कर रही है वो कंप्रेशन और रेडिफेक्शन की फॉर्म में है। फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया कि न्यूटन ने ट्राई किया था स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि जब साउंड ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेडिफेक्शन, कंप्रेशन का मतलब प्रेशर बढ़ गया, रेडिफेक्शन का मतलब कंप्रेशन कम हो गया। प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी कुछ पार्टिकल का टेम्परेचर। लेकिन न्यूटन ने यह भी कहा था कि चाहे टेम्परेचर बढ़े या कम हो आपकी हीट सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, बिकॉज ये सारा कुछ किस में हो रहा है, पूरा एटमोस्फेयर में हो रहा है। तो इसलिए प्रोसेस वॉज आइसोथर्मल इन नेचर, तो इसलिए बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू निकलेगी वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन निकलेगी। फिर मैंने ये बताया था कि इसके अंदर आइसोथर्मल के अंदर आप इक्वेशन लिखो आइसोथर्मल की, पीवी इज अ कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पी कॉन्स्टेंट डीवी, वी कॉन्स्टेंट डीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू आएगी, वी को इसके नीचे ले जाओ ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये वैल्यू किसकी, ये फॉर्मूला किसका होता है, बल्क मॉडुलस का। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, प्रेशर की इक्वल आ गई। प्रेशर एनटीबी पे उसको पता था आपको याद करने, और डेंसिटी ऑफ एयर उसको पता थी, तो उसने वैल्यू पुट कर ली कहां पे, यहां पर वैल्यू पुट कर ली, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू आई थी, के आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो, यही फॉर्मूला था ना वेलोसिटी निकालने का। लेकिन के आइसोथर्मल की वैल्यू किसके इक्वल लेनी है, प्रेशर के। अभी हमने प्रूव किया प्रेशर की वैल्यू आपको याद करके जानी है 76 सेंटीमीटर और मर्करी कॉलम, डेंसिटी ऑफ एयर याद करके जानी है, आंसर आ जाएगा, जो कि गलत था। फिर मैंने कहा था कि इसको करेक्शन किसने करके दिया, लैपलेस ने। लैपलेस ने ये माना कि जो प्रोसेस है वो क्या है, एडियाबैटिक इन नेचर है, और अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उस केस में उसने एडियाबैटिक इक्वेशन ली, पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट, वी टू द पावर गामा की डिफ्रेंसिएशन की, गामा नीचे वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी फर्दर डिफरेंशिएशन, और वी की पावर गामा बाहर इंटू डीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो। इसको रीअरेंज किया, मतलब कि इसको वी टू दी पावर गामा माइनस वन को लिखा वी टू दी पावर गामा अपॉन वी, इसको सॉल्व किया, वी टू दी पावर गामा बाहर आ गया कॉन्स्टेंट जो कि यहां पर आके जीरो हो गया, तो गामा इंटू पी इंटू डीवी प्लस डीपी, वी डीपी इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम लिया तो यहां से एलसीएम लिया ये वैल्यू आ गई, इसको राइट साइड पे ले गया ये वैल्यू आ गई, और गामा पी को एक तरफ वी को नीचे ले गया तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू तो जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला इसने क्या प्रूव किया, गामा इंटू पी, गामा का मतलब क्या होता है, सीपी बाय सीवी, तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया गामा इंटू पी बाय रो। वैल्यूज पुट की वेलोसिटी की, गामा की वैल्यू आपको याद करनी है, प्रेशर वही है, डेंसिटी वही है, आंसर सही आ गया, ये चीज क्लियर है, हो जाएगा प्रूफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वेरियस फैक्टर्स प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, एक एक लाइन याद करके जानी है आपने कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये याद करके जाना है। ह्यूमिडिटी में आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, तो अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और जो वाटर वेपर वाली जो एयर है उसकी जो डेंसिटी
की वैल्यू कम है तो वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर के केस में याद रखना वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना प्रूफ में। वेलोसिटी की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू इज वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी डिवाइडेड बाई रो, ये फॉर्मूला निकाला। पी वी इज इक्वल टू आर टी से आप डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी को यहाँ पुट कर दो, ये रहा। पी बाय रो की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, जो कि सॉल्व करने पे क्या आएगा, गामा इंटू आर टी बाय एम, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी किसमें, जब टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट देखते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर। याद करें प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं है साउंड की स्पीड पे, प्रेशर ज्यादा हो प्रेशर कम हो साउंड की स्पीड चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है विंड का अफेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है पता ही है। एम्पलीट्यूड का कोई अफेक्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी का कोई अफेक्ट नहीं। ज्यादा क्लियर है? देखो मैंने जब वेव करवाया था, सुनो प्लीज साइलेंस, जब मैंने वेव करवाया था तो मैंने इक्वेशन बताई थी कि वेव फंक्शन कैसे बनता है, और वो हमारे पास बहुत टाइम था, हम एक लेक्चर दो लेक्चर तीन लेक्चर जितना मर्जी लगा लें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब नहीं, कोई नहीं स्कूल में पूछने वाला वेव फंक्शन कैसे बनेगा, कॉम्पिटिशन में भी कोई नहीं पूछता वेव फंक्शन कैसे बनेगा, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं कि जिनको वेव फंक्शन बनाना नहीं आता स्पेशली नॉन मेडिकल में, तो वो थोड़ा सा अटक सकते हैं, मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो आपने जो स्टार्ट करना है वो यहीं से, आपने कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने सीधा सीधा एक ही चीज सुननी है कि जो वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ए साइन टू पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस फाइव, बस। तब जब वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब वेव इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो ए साइन टू पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी
प्लस एक्स प्लस वाई, ज्यादा क्लियर है? तो ये वेव की इक्वेशन हर किसी को याद करनी ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना इसमें, ये भी कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन करना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये करना है आपने, प्रोसेस बाई विच डिफरेंट ट्रेन ऑफ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली ओवरलैप वन अनदर विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअल नेचर या शेप इज नोन एज सुपर पोजिशन। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दो वेव्स आ रही हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब भी दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, मिलने को सुपर इम्पोज बोलते हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल ड्यू टू वन वेव अगर वो ऊपर जाना चाहता है, ड्यू टू सेकेंड वेव वो नीचे जाना चाहता है, तो ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, इट विल ऑल डिपेंड कि किसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है। तो हो सकता है क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर जाए तो वो उसका एम्पलीट्यूड और बड़ा हो जाएगा, क्रेस्ट ट्रफ पे गिर जाए तो दे कैन कैंसिल ईच अदर। तो आपने इस तरीके से इसको समझना है। जो काम की चीज है वो ये है, डेफिनेशन आपने याद करके जानी है, ये आपने कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है कि अगर एंड फिक्स्ड है किसी भी वायर का, क्रेस्ट आ रहा है तो वापस टक्कर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ट्रफ जाएगा, ट्रफ आ रहा है तो वापस क्या जाएगा, क्रेस्ट। अगर ये एंड फ्री है तो क्रेस्ट आ रहा है तो क्रेस्ट ही वापस जाएगा, ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ ही वापस जाएगा, और आपने कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। स्टेशनरी वेव्स का एग्जाम याद रखनी है, स्टेशनरी वेव वो वेव्स हैं जिनके अंदर क्या होता है कि दो वेव्स मूविंग इन टू प्रोग्रेसिव वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर। तो दो वेव्स हैं सुपर इम्पोज हो जाती हैं, ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव्स हैं। मैंने स्टेशनरी वेव देखने में ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। जहां जीरो है उसको नोड बोलते हैं, जहां मैक्सिमम उसको एंटी नोड बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस, कोई डिफरेंस आप याद कर सकते हो, दो तीन कोई भी बहुत डिफरेंसेस हैं। ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग मीन प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में पहला डिफरेंस है कि देखो मैं आपको मोटे मोटे डिफरेंस सीधा ही बताता हूं, अपने वर्ड में लिख लेना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग वेव के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो नोड्स हैं, वो कभी मूव नहीं करेंगे, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एंटी नोड्स हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम ही रहेगी। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं है प्रोग्रेसिव वेव में, स्टेशनरी वेव में फिक्स्ड है। सेकंड, प्रोग्रेसिव वेव में वेव प्रोपगेट कर रही है तो एनर्जी आगे 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 ट्रांसफर होती है, लेकिन जो आपका जो स्टेशनरी वेव है उसमें एनर्जी ट्रांसफर आगे नहीं होती, फिक्स्ड एरिया की फिक्स्ड एनर्जी है। मतलब नोड और नोड के बीच में, जैसे दो नोड्स हैं, उन दो नोड्स की कोई एनर्जी नहीं है, उनकी एनर्जी एकदम जीरो है, वो तो रेस्ट पे है। हाँ, जो एम्पलीट्यूड जिसका मैक्सिमम है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, जिसका मिनिमम है उसके पास मिनिमम एनर्जी है, हर पॉइंट की एनर्जी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि आगे 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 एनर्जी क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है। क्लियर यहां तक? तीसरा मेजर डिफरेंस है, प्रोग्रेसिव वेव आगे आगे प्रोपगेट करती है, स्टेशनरी वेव स्टेशनरी है। कि इसमें ये क्योंकि ये स्टेशनरी वेव कैसे बन रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव से बन रही है। ये भी पॉइंट क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, आपने इसमें बस दो तीन डिफरेंसेस आप एक बार देख लेना, कोई मेजर नहीं है। मेजर जो चीज है वो है जो मैंने बताया था, गिटार वाला पाइप क्लोज एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड। कैसे करना है? सबसे पहले गिटार वाला एग्जांपल है, दैट इज स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, वेव गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की इक्वेशन लिख लेना, राइट टू लेफ्ट इक्वेशन लिख लेना, वी टी माइनस एक्स की जगह वी टी प्लस एक्स, क्योंकि गिटार का दो एंड फिक्स्ड है तो क्रेस्ट जाएगा, वापस क्या आएगा, ट्रफ आएगा। इसीलिए अगर ये वाई पॉजिटिव है तो ये वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें? ये वेव आपस में सुपर इम्पोज होंगी, जब ये सुपर इम्पोज होंगी, सुपर इम्पोज करने के लिए मैंने दोनों को एड कर दिया, कॉमन निकाल लिया माइनस आर सी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लिया। जब मैंने फॉर्मूला लगाया ये वैल्यू आई, इसको मैंने एम्पलीट्यूड ए का नाम दे दिया, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया। जितने मेडिकल के लोग हैं जिनको जो स्टेप समझ नहीं आ रहे मैथ्स के लिए, वो मेरे बाद में पूछ सकते हैं, पहले से कॉन्सेप्ट समझे। ऐड करके एम्पलीट्यूड निकाल लिया, फिर मैंने ये बोला कि अगर ये स्ट्रिंग है, इसकी बाउंड्री कंडीशन थी, बाउंड्री कंडीशन वो कंडीशन है हमेशा ट्रू है,
तो मान लो ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पर हमेशा क्या जनरेट होगा, नोड। नोड मींस अगर इसकी लेंथ एल है तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू एल है, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो, क्योंकि नोड का मतलब एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज जीरो। तो जब मैंने x की जगह यहाँ जीरो पुट किया तो साइन जीरो इज जीरो, सेटिस्फाइड। फिर जब मैंने x की जगह यहाँ पर l पुट किया तो भी आंसर को क्या आना चाहिए, जीरो। तो मैंने जब x की जगह l पुट किया, साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x की जगह l, तो साइन ऑफ दिस एंगल शुड बी इक्वल टू जीरो, और मैथ्स का रूल है कि एंगल जीरो तब होगा जब ये एंगल किसके इक्वल होगा, एन पाई। अगर ये एन पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, एल की वैल्यू आ गई एन लैम्डा बाय 2। कोई डाउट किसी को इसमें? प्लीज कोई भी डाउट हो हाथ खड़ा करके रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हम, सेकंड टाइम कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, 1, 2, 3 के केस बनाने हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बनाने, एल की वैल्यू आ चुकी है एन लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा 1 बाई 2। लैम्डा बाई 2 का डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, इस एक लूप को क्या बोलते हैं, लैम्डा बाई 2 बन गया डायग्राम। फिर मैंने बताया था कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर लैम्डा 1 2l है तो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी, लैम्डा 1 की वैल्यू 2l आ गई, v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, तो न्यू 1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, v डिवाइडेड बाय 2l। ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी है जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी आ गई, v डिवाइडेड बाय 2l, और वेलोसिटी स्ट्रेच स्ट्रिंग में अभी हमने एग्जांपल किया था अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, तो आप यहां वैल्यू पुट कर सकते हो, न्यू वन इज वी बाय लैम्डा 1, और लैम्डा 1 की जगह 2l, वी की जगह अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में इसकी जगह 2 पुट कर देना है, एल इज लैम्डा 2, न्यू 2 इज वी बाय लैम्डा 2, वी का मतलब अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, लैम्डा 2 का मतलब एल। इस सेकेंड फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी न्यू वन से डिवाइड कर लेना, न्यू टू की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स न्यू वन, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 3, और क्योंकि n l इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 है और हम n इज इक्वल टू 2 का केस कर रहे हैं, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 पे l इज इक्वल टू लैम्डा 2, लैम्डा 2 का मतलब कंप्लीट दो लूप्स बनेंगी, एक लूप का मतलब लैम्डा बाय 2, दो लूप्स का मतलब लैम्डा। क्लियर है डायग्राम, समझ आ रहा है सबको, ठीक है ना यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन की जगह 3 पुट कर देना है, लैम्डा 3 आ जाएगा, लैम्डा 3 इज वी बाय लैम्डा 3, और वी की जगह अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, लैम्डा 3 की जगह 2l बाय 3, तो ये वैल्यू आएगी। न्यू 3 को न्यू 1 से डिवाइड करोगे, न्यू 3 विल कम आउट टू बी 3 टाइम्स न्यू 1। थर्ड फ्रीक्वेंसी भी आ गई, जितनी मर्जी निकालते जाओ। पहला केस क्लियर है। दूसरा केस जो हमने किया वो किया था पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के केस में एक इक्वेशन, जाने की इक्वेशन सेम, आने की इक्वेशन भी एग्जैक्टली सेम, स्ट्रिंग वाली। अगर पाइप एक क्लोज एट वन एंड, एक ये गया और ये वापस आया, क्योंकि फिक्स एंड है, लेफ्ट से राइट की जगह वीटी माइनस एक्स की जगह वीटी प्लस एक्स, प्लस आर की जगह माइनस आर। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सुपर इम्पोज हो गई दो वेव्स, जब सुपर इम्पोज हुई तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी जो स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड के केस, मतलब जो पहले वाला केस है और जो ये वाला केस है एग्जैक्टली सेम है, बस बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट है। बाउंड्री कंडीशंस में कुछ ऐसे है कि ये x इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर क्योंकि फ्री एंड है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आने वाली है, मैक्सिमम। और यहाँ पर x, ये मान लो l लेंथ की पाइप है, x की वैल्यू यहाँ पर l है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर जीरो, ठीक हो गया यहाँ तक। तो जब मैंने x जीरो पुट किया यहाँ पे, साइन जीरो जीरो, जीरो का x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी पाइप उल्टी बन गई, कोई बात नहीं फिर से बना देते हैं। तो सपोज ये आपके पास एक पाइप है, आपके पास एक पाइप है, l लेंथ की पाइप है, x इज इक्वल टू जीरो है और ये x इज इक्वल टू एल है। अब सपोज पाइप कुछ ऐसे है, यहां से बंद है, सच दैट यहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम एंटी नोड है, ठीक ठीक वो भी था, पर मेरी जो डेरिवेशन है वो इसके अकॉर्डिंगली है। क्लियर है यहाँ तक? बाउंड्री कंडीशन सब लिख लेंगे। नेक्स्ट है, आपने इसमें क्या करना है, जब x इज इक्वल टू जीरो पुट करना है तो साइन जीरो जीरो है, एम्पलीट्यूड जीरो आ रहा है,
क्लियर है, और जब x इज इक्वल टू एल पुट करेंगे तो भी एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स की जगह एल पुट किया, आंसर शुड बी मैक्सिमम जो कि प्लस माइनस 1 है, और ये एंगल प्लस माइनस 1 कब आएगा मैथ्स में, जब ये एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इनटू पाई बाय 2 होता है, ये याद करना पड़ेगा मेडिकल वालों। तो दिस इज एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इनटू पाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आपके सामने है, एन की जगह 1 पुट करो, एल इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 का जो डायग्राम बनेगा वो एक लूप का हाफ बनेगा, एक लूप का मतलब लैम्डा बाय 2, आधी लूप का मतलब लैम्डा बाय 4। क्लियर है यहां तक? फिर मैंने कहा इसमें लैम्डा 1 इज 4l, न्यू 1 इज v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 इज 4l, तो 4l को पुट कर दो, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहां तक? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 पुट करो, 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा का जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि इसका मतलब है ये जो ये डायग्राम है इसका मतलब है लैम्डा बाय 2, इसका मतलब है लैम्डा बाय 4, तो टोटल कम्स आउट टू बी 3/4 लैम्डा, डायग्राम हर कोई बना देगा, ठीक। और पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा 2 आ गया, न्यू 2 इज वी बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दी, न्यू 2 की वैल्यू आ गई, न्यू 1 से डिवाइड कर लो, 3 into new 1, 2 new 1 नहीं आएगा, न्यू 2 इज 3 into new 1। नेक्स्ट है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन की जगह 3 है, एल इज 5/4 लैम्डा, लैम्डा 3 इज 4/5 एल, न्यू 3 इज वी बाय लैम्डा 3, लैम्डा 3 की वैल्यू पुट कर ली, न्यू 3 की वैल्यू आ गई, न्यू 1 से डिवाइड कर लिया, तो न्यू 3 की वैल्यू क्या आएगी, 5 times, कर करके देखना ना, फंडामेंटल से डिवाइड करके देखना, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसका जो डायग्राम बनेगा, 5/4 लैम्डा का मतलब क्या है, इसका मतलब है लैम्डा, क्योंकि दो लूप्स हैं, इसका मतलब है लैम्डा बाय 4, जब ऐड करोगे इन दोनों को क्या आएगा, 5/4 लैम्डा। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, जो लास्ट केस है, पाइप ओपन एट बोथ एंड, पाइप ओपन के केस में वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट रिफ्लेक्ट होगी लेकिन क्लोज एंड नहीं है, जब ओपन एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आता है, ट्रफ नहीं आता, इसलिए ये साइन पॉजिटिव रहेगा, पर क्योंकि वेव लेफ्ट से राइट जा रही है फिर टकरा के राइट से लेफ्ट आ रही है, पाइप ओपन एंड बोथ एंड, डेंसिटी की वजह से वेव को वापस आना पड़ता है, तो यहां पर वीटी प्लस एक्स, सुपर इम्पोज कर लेना, सुपर इम्पोज करोगे एम्पलीट्यूड निकाल लेना, इसका एम्पलीट्यूड जो आएगा वो ये आएगा जो इसमें लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2r cos 2πx/λ। बाउंड्री कंडीशन बनाना, बाउंड्री कंडीशन के अंदर जो सबसे पहली चीज है, पाइप ओपन एट बोथ एंड है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एल, एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, मैक्सिमम, यहां पर भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, ठीक है तक? तो आप एक्स को यहां पर 0 पुट कर दो, cos 0 क्या आएगा 1, मैक्सिमम आ गया, फिर आप x की जगह l पुट कर दो यहाँ पे, जब आप l पुट करोगे तो cos of 2πl/λ, जो cos of 2π x की जगह l by lambda, इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसा तब होगा जब ये 2πλ l की वैल्यू मैथ्स में किसके इक्वल होती है, n पाई, ये मेडिकल वालों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू लैमडा बाय 2, ठीक है यहाँ तक, यही आया ना आंसर, n इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक।
شیٹس کے اندر بس کوئی فرق زیادہ ہے نہیں. نوڈ اینٹی نوڈ میں ویو لیفٹ سے رائٹ جا رہی ہے, رائٹ سے لیفٹ آ رہی ہے, سپر امپوز ہو رہی ہے. بیٹس میں دونوں ویو لیفٹ سے رائٹ ہی جائیں گی. تو یہ آپ کی فرسٹ ایکویشن ہے, وی ٹی مائنس ایکس, وی ٹی مائنس ایکس, لیکن لیمڈا ون اینڈ لیمڈا ٹو کے ساتھ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سمپلیفائی کرنا ہے. لیمڈا ون کو ملٹیپلائی کر لو, وی بائی لیمڈا ون نیو ون ہے, یہ فرسٹ ایکویشن آ گئی ویو کی, یہ سیکنڈ ایکویشن آ گئی لیمڈا ون کی جگہ لیمڈا ٹو, اور ایکس از اکول ٹو زیرو ایزیوم کر لینا ہے آپ نے, تو یہ ویلوز کینسل ہو گئی, یہ وائی کی ویلوز آ گئی. یہ وائی کی ویلوز کو سپر امپوز کر دو, جب سپر امپوز کرو گے سی این ڈی فارمولا لگاؤ گے تو یہ ویلوز آئیں گی. اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا جب سی این ڈی ویلوز لگاؤ گے تو یہ جو ویلو ہے اس کو ایمپلیٹیوڈ مان لینا اے, تو ایمپلیٹیوڈ کی ویلو آپ کے پاس آ گئی ٹو آر کوس 2 by new 1 minus new 2 by 2 into t. بس آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ, اس ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنا ہے کہ ایمپلیٹیوڈ میکسم کب ہوگا, کیونکہ ایمپلیٹیوڈ کے اندر جو بھی آ رہا تھا کوس کا فنکشن تھا, کوس آف سم اینگل. اگر یہ اینگل کچھ ایسا ہو سچ دیٹ کوس کی ویلو پلس مائنس 1 آ جائے تو ایمپلیٹیوڈ اپنے آپ کیا جائے گا, میکسیمم. تو یہ اینگل ایکچوئل میں یہ تھا, یہ رہا وہ اینگل, یہ دیکھو کوس کی یہ ٹرم ہے. اس ویلیو کو اگر پلس مائنس 1 کرنا ہے تو میتھس میں آپ کو یاد کرنا پڑے گا دس اینگل از ایگل ٹو این پائی, ٹائم کی وہ ویلوز آ گئی جب ایمپلیٹیوڈ کیا رہے گا, میکسیمم. اور ایسی اگر ٹائم کی ویلوز نکالنی ہے, 0 1 2 3 4 پٹ کر دو, ٹائم کی ویلوز آ گئی جب ایمپلیٹیوڈ بیٹس میں میکسیمم ہے. اور ایمپلیٹیوڈ منیمم تب ہوگا جب کوس آف یہ ٹرم از ایگل ٹو کیا آئے گی, 0. 0 تب آئے گی جب 2n پلس 1, یہاں پر 2n پلس 1 انٹو پائی بائی 2 ہوگا, میڈیکل والوں کو یاد کرنا پڑے گا. کراس ملٹیپلائی کر کے ٹائم آ گیا, n کی ویلو 0 1 2 3 پٹ کر دو, ٹائم کی وہ ویلوز آ گئی جب ایمپلیٹیوڈ کیا آئے گا, منیمم آئے گا. اور ٹائم کا کبھی بھی ڈفرینس نکال لو, ٹائم کا ڈفرینس چاہے میکسیمم چاہے منیمم کتنا آ رہا ہے, 1 اپون نیو 1 مائنس نیو 2, کلیئر یہاں تک. اور فریکوینسی از 1 اپون دس ٹائم پیریڈ, جو کہ ویلو آئے گی نیو 1 مائنس نیو 2, اس کو پیٹ کی کیا بولتے ہیں, فریکوینسی. ٹھیک ہے یہاں تک. اور ڈاپلرز افیکٹ کے اندر میں نے کیس بتایا تھا, پہلا کیس جب سورس لسنر کے پاس آ رہا ہے, تو جب سورس لسنر کے پاس آ رہا ہے, ایکچولی مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں معلوم کہ آپ کے ٹیچر آپ کو کیا دیں گے, کس طریقے سے کوشچن دیں گے ڈاپلرز پہ, کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں, دو منٹ میں تو پروو ہو جاتے ہیں, تو مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں, ہو سکتا ہے ایسے دے ہی دے. یہ سب سے فیمس کیس ہے کہ جب سورس پاس آ رہا ہے اور آبزرور ریسٹ پہ ہے. تو میں نے آپ کو وہ لکھوایا تھا, ایک ڈائگرام بنوایا تھا, کیسے پروو کیا تھا میں نے کہ جو فریکوینسی کی ویلو ہے, جو فریکوینسی کی ویلو ہے وہ وی اپون وی مائنس یو ایس انٹو نیو کے ایکول آئے گی. ٹھیک, تو اس میں تو صرف فارمولاز ہیں ڈاپلرز کے اندر, اور کچھ بھی نہیں ہے, کہ اگر سورس پاس آ رہا ہے تو یہ فارمولا, سورس دور جا رہا ہے تو یو ایس کی جگہ مائنس یو ایس, تو یہ ڈینومینیٹر میں وی پلس کیا ہو جائے گا, یو ایس ہو جائے گا. ایسے ہی تھرڈ کیس تھا کہ اگر آبزرور پاس آ رہا ہے تو ایکچوئل فریکوینسی نیو تو سنائی دے گی, آبزرور کی ویلوسٹی کو ڈسٹینس سے ڈیوائڈ کرو گے تو یہ ایک فریکوینسی آ جائے گی, ایکسٹرا فریکوینسی ہے جو آبزرور کو سنائی دے رہی ہے. تو اس کیس میں کیا کرنا ہے, کیونکہ جو ویلوسٹی اپون جو ویو لینتھ ہوتی ہے اس کو فریکوینسی بولتے ہیں, تو اس کیس میں لیمڈا از وی بائی نیو, اس کو سالو کر کے یہ وہ فارمولا ہے جب آبزرور جو ہے وہ سورس کے پاس جا رہا ہے. اگر آبزرور سورس سے اپوزٹ جا رہا ہے تو اس ٹرم کو کیا کر دینا ہے, مائنس. ویسے مجھے لگتا ہے کہ شاید نیومیریکل ہی آئے. آپ نے ایک فارمولا یاد کر کے جانا ہے, یہ ڈاپلرز فارمولا میں نے بتایا تھا, سب سے فیمس فارمولا ہے کہ جو فریکوینسی اگر سورس لسنر کے پاس آ رہا ہے, لسنر سورس کے پاس جا رہا ہے, بس یہ فارمولا یاد رکھنا, آپ کا کوئی کیس غلط نہیں ہو سکتا, یہ بیسٹ فارمولا ہے. کلیئر یہاں تک, تو ایسے سارے فارمولاز آپ کے ڈرائیو ہو جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے نیومیریکل آئے گا, بٹ پھر بھی آپ ہر کیس کو ایک بار دیکھ جانا. ونڈ والا کیس کچھ نہیں کرنا, لائٹ کے اندر سمپل ہے, لائٹ کے اندر جو فریکوینسی اگر نیو ہے تو دکھائی دے رہی فریکوینسی نیو ڈیش ہے 1 پلس وی بائی سی, وی کا مطلب اسٹار کی ویلوسٹی, سی کا مطلب اسپیڈ آف لائٹ. اور اگر سٹار اگر پاس نہیں آ رہا, سٹار اگر دور جا رہا ہے, تو اس کیس میں آپ کیا کرو گے, پلس وی کی جگہ کیا یوز کرو گے, یہاں پر مائنس وی. آپ جب یہاں مائنس وی یوز کرو گے تو یہ ویلیو آ گئی, کمبائن کرو گے پلس مائنس کے فارم میں یہ ویلیو آ گئی. نیکسٹ ہے اس میں ڈاپلر شفٹ کے کیس میں, کیونکہ ابھی آپ نے فارمولا بنایا نیو 1 پلس مائنس وی بائی سی انٹو نیو, اس کو نیو یہاں پہ ہے, ملٹیپلائی کر دو نیو ڈیش مائنس نیو, ڈیلٹا نیو آ گیا, اس کو یہاں پر سنبھال کے رکھو. یہ رہا c is new lambda, اس کو ڈیفرینشیٹ کر دو, c کی ڈیفرینسیشن کانسٹنٹ کی 0, نیو انٹو ڈیلٹا لیمڈا, ڈیلٹا لیمڈا انٹو نیو, یہاں سے کراس ملٹیپلائی کرو,
डेल्टा न्यू आ गया, पहले भी डेल्टा न्यू आ गया, अब भी डेल्टा न्यू आ गया, यहाँ से डेल्टा लैम्डा। स्टार अगर पास आ रहा है कलर लाइट का ब्लू नजर आएगा, दूर जा रहा है तो कलर लाइट का रेड नजर आएगा, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने क्या करना है मेरे को कल, अभी आज रात को आपने पढ़ना है, बस इतना ही करना है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं अब कर जाना जैसे मैंने करवाए। स्कूल लेवल से इससे ऊपर नहीं जाएगा। कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक पूरा आपको करवा दूंगा कि क्या एग्जैक्टली मेरे टॉपिक्स पड़े हुए हैं। सुन लो, जो थर्मोडायनेमिक्स के सॉल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं दोनों बैचेस के, ग्रेविटेशन के कल रात को जाएंगे।